told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़ एंड ब्लॉगिंग। आज है मेरे घर में किटी पार्टी। हम पांच छह लोग हैं, पांच छह फ्रेंड्स हैं, तो एक बार हम लोग ऐसे ही इकट्ठे हुए तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बीसी शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने बस वहां पर ऐसे ही चिट निकाली, तो सबसे पहली चिट मेरी निकली, मेरे नाम से निकली बीसी की। तो बस आज जो फर्स्ट पार्टी है हमारी किटी पार्टी, वो हमारे घर पर है। तो बस उसी किटी पार्टी की झलकियां हम लोगों ने किस तरह से किटी पार्टी की, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं किचन में किटी पार्टी की तैयारी के लिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी ली है नई कढ़ाई, ये प्रेस्टीज की कढ़ाई है, और जो स्पैचुला आप देख रहे हैं ये है सिलिकॉन स्पैचुला। तो ये जो कढ़ाई है ये है हार्ड कोटिंग की कढ़ाई कहलाती है। ये डार्क ग्रे कलर की आती है, और इस कढ़ाई में आप कोई भी स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं स्टील वगैरह का, क्योंकि इसमें स्क्रैच नहीं लगते हैं। ये कढ़ाई जलती भी कम है, इसको सावधानी से यूज़ करें तो ये जलती भी नहीं है ज़्यादा, और अगर इसको हम साफ़ करें तो ये आसानी से साफ़ भी हो जाती है, और इसमें स्पैचुला वगैरह के स्क्रैच भी नहीं लगते हैं। और लेकिन मैं बस खाई अच्छा दिखे इसके लिए मैं सिलिकॉन स्पैचुला लेकर आई हूँ। इसमें हम स्टील का भी स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आया है एक शानदार लिड जो कि बहुत ही बेहतरीन है, मतलब कढ़ाई ऑल ओवर यूज़फुल भी है और बहुत ही सुंदर भी है। अब इसका जो कागज़ है ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसमें जो स्टिकर लगा हुआ है, तो इसको हम गैस पर हल्का सा गर्म कर रहे हैं। इसके बाद जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर इसकी ग्लू पिघल जाएगी और ये आसानी से इसमें जो भी स्टिकर लगे हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो किसी भी बर्तन में से आपको स्टिकर निकालना हो तो इसको हल्का सा गर्म कर लें, उसके बाद आसानी से स्टिकर निकल जाते हैं। मैंने थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगाया क्योंकि हमारी ये नई कढ़ाई है, तो पूजा कर लेते हैं इसको यूज़ करने से पहले, और अंदर से इसको मैंने थोड़ा सा वॉश भी कर लिया है क्योंकि ये नई है तो इसको धोना भी ज़रूरी है एक बार। अब ये नई कढ़ाई है तो मैं इसे बनाने जा रही हूँ एक स्वीट डिश। तो मैं यहाँ बना रही हूँ सिमैया की खीर। तो कढ़ाई में मैंने डाला एक टेबलस्पून देसी घी, और उसमें मैंने ऐड कर दी एक कप के करीब सिवैयाँ। अब सिवैयों को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। खीर में ज़्यादा डार्क कलर की सिवैयाँ अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए हम इनको थोड़ा ही रोस्ट करेंगे, बस थोड़ी सी ये गुलाबी हो जाए। लगातार चलाना है इनको, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। तो ये देखिए सिवैयाँ हमारी हल्की सी गुलाबी हो चुकी। अब मैं इसी में डाल दूँगी गर्म किया हुआ दूध। तो यहाँ पर मैंने 1.25 किलो के आसपास दूध लिया है, वो मैं सारा दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। दूध डालते टाइम गैस की फ्लेम को लो कर दें, कहीं एकदम से दूध उबलेगा तो आपको इसकी भाप ना लगे ज़ोर से, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए इस तरह से हमको इसको एक बार चला देना है। अब सिमैया को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट के करीब दूध सिमैया, तो इसको पकने देते हैं। तब तक हम बेसन घोल लेते हैं भजिए के लिए, क्योंकि मैं किटी पार्टी में सिमैया की खीर और भजिए बनाने वाली हूँ। मौसम भी बारिश का है तो भजिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम के आसपास बेसन लिया, इसमें मैंने ऐड कर दिया पानी, और बस एक घोल बनाकर रेडी कर लेंगे, जो ना ज़्यादा बहुत गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो। तो ये देखिए हमारा घोल बनके तैयार हो गया, हम इसको ढककर रख देते हैं, और जब फ्रेंड्स आ जाएंगे मेरी उसके बाद ही मैं भजिए बनाऊंगी। और ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लंबे लंबे लच्छे के रूप में काट लिए, 4 से 5 हरी मिर्ची काट ली, थोड़ी बड़ी बड़ी थी मेरी हरी मिर्ची तो 4 से 5 में ही काम हो गया, और थोड़ा मैंने हरा धनिया काट लिया। जितना तीखा आपको चाहिए उस हिसाब से आप हरी मिर्ची काट लें, और ये मैंने सब बेसन में ऐड कर दी। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कुछ मसाले। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया क्योंकि हरी मिर्ची हमने इसमें बहुत सारी ऐड करी है,
और बस थोड़ा सा हम ऐड करेंगे अमचूर हाफ टी स्पून के करीब। थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। ये दवे का तिब्बत गरम मसाला है, काफ़ी तेज़ होता है तो मैं थोड़ा सा ही इस्तेमाल करती हूँ। और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। और ये है हींग, हींग की जो डल्ले आते हैं, जो जमी हुई हींग आती है उसको मैंने तोड़ा, तो बारिश है तो इस तरह से हो गई थी, तो मैंने उसको ऐड कर दिया है। अब बस सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे घोल गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसके भजिए मुझे बहुत पसंद नहीं है। थोड़ा सा पतला घोल बनता है तो भजिए बहुत अच्छे बनते हैं। जब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी ना कढ़ाई में, तब आप देखिएगा कितने बढ़िया भजिए बनेंगे। तो इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। बस अब इसको ढककर रख देते हैं, जब लेडीज़ आ जाएंगी उसी के बाद हम भजिए बनाना शुरू करेंगे। और अब ये सिवैयाँ भी अच्छे से फूल चुकी हैं, खीर पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। तो यहाँ मैंने एक कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर ऐड करी है, बस मिक्स कर दिया। आप थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं, और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देते हैं दूध मसाला या खीर मसाला, जो भी आप बोलें। इसमें केसर, इलायची और थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट, सभी चीज़ें मिक्स आती हैं। इसके अलावा आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं अलग से, लेकिन इसमें इलायची की खुशबू बहुत अच्छी होती है और केसर भी बहुत होती है, तो मतलब ये परफेक्ट है मसाला। इसको डालने के अलावा कोई भी फ्लेवर आपको इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब बस इसमें मैं थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर दूँगी, और हमारी जो खीर है वो बन के तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो चिरौंजी और काजू बादाम सभी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो अपनी पसंद के अनुसार। तो बस हमारी खीर भी बन के रेडी हो चुकी है, और जो मेरी तैयारी है किटी पार्टी की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बस मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, तो बस चलिए खीर रखकर चलते हैं उनको रिसीव करने। तो जब मेरी फ्रेंड्स आई तो कोई शूटिंग करने वाला नहीं था, तो उस समय शूटिंग नहीं हो पाई। बस मैंने उनको पानी वगैरह पिलाया, वो बोली अभी थोड़ी देर पहले ही हम खाना खा कर आए हैं, थोड़ी देर बाद कुछ खाने पीने का देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले एक दो लोगों से हम लोग परिचित नहीं थे, तो परिचय कराया मेरी फ्रेंड ने, जिनको वो अपने साथ लेकर आई थी, जो उनकी फ्रेंड्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने तंबोला खेलना शुरू किया। हम लोगों ने अपनी किटी की शुरुआत जो की थी वो 5 बार गायत्री मंत्र बोल कर की थी। और फर्स्ट बीसी है, तो बस तंबोला खेले में बहुत मज़ा आया। कुछ रूल्स होते हैं तंबोला के, वो लिखे गए एक पेपर पर, उसी हिसाब से हम लोगों ने तंबोला खेला। हाँ, खोल लेते हैं ना, मजा आई। नई कढ़ाई में खीर, हाँ, वो जब कुछ नया बर्तन लेते हैं तो पहली बार मीठा बनाते हैं ना, तो मैंने खीर बना दी आज के लिए। ओके, देखो अच्छी दिख रही है ना खीर, नॉइस है ना। चलो कैमरा मैन फोकस करो। बस फिर मैंने भजिए बनाना शुरू किए, और इस तरह से बिखेर बिखेर के भजिए डालती हूँ मैं, एकदम एक जगह बहुत सारे नहीं डालती हूँ, तो बहुत अच्छे क्रिस्पी से और बहुत ही बढ़िया खिले खिले से भजिए बनते हैं। तो बस ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी से भजिए बनके तैयार हैं।
तो ये देखिए कितने मस्त, बहुत ही बेहतरीन, एकदम मार्केट से भी बढ़िया भजिया हमारे घर पर बनके तैयार हो चुके हैं। बारिश आ रही है तो आप इस तरह से इन भजियों को बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस इस तरह से मैंने लगाई प्लेट, इसमें है चटनी, सॉस, खीर और भजिए। उसके बाद हम लोगों ने खेला एक और गेम जिसमें एक मिनट का टाइमर लगाना था, और हम लोगों ने एक कटोरे में लगे थे काबली चने, जिसको एक कटोरे से डालना था दूसरे कटोरे में, और इस तरह से बोलना था एक बार में सबसे ज़्यादा चने जिसकी गिनती में आ जाएंगे वो इस गेम का विनर कहलाएगा। जितने लोग थे उतने फूलों की पर्चियाँ डाल दी गई थी एक कटोरे में, और जिसके लकी ड्रॉ में जो पर्ची आई थी उसको उस फूल का नाम लेकर इस तरह से बोलना था। हो गया आंटी। अरे होता है, स्टार्ट। मैं मोगरे का फूल, मेरे पति मेरे पीछे घोड़ा। मैं भी करते जाओ। मोगरे का फूल, मेरे पति मेरे पीछे घोड़ा। मैं मोगरे का फूल, मेरे पति मेरे पीछे घोड़ा। मैं चमेली का फूल, मेरा पति मेरे पीछे घोड़ा। मैं चमेली का फूल, मेरा पति मेरे पीछे घोड़ा। मैं चमेली का फूल, मेरा पति मेरे पीछे घोड़ा। मैं लिली का फूल, मेरा पति मेरे पीछे घोड़ा। मैं लिली का फूल, मेरा पति मेरे पीछे घोड़ा। गुलाब का फूल, मेरे पीछे मेरा पति। जल्दी से चले जाने। मैं गुलाब का फूल, मेरा पति मेरे पीछे। मैं कमल का फूल, मेरा पति मेरे पीछे भौंरा। मैं कमल का फूल, मेरा पति मेरे पीछे भौंरा। मैं कमल का फूल, मेरा पति मेरे पीछे भौंरा। वैसे तो जो गेम जिसके घर में किटी होती है वो गेम खिलाता है, खेलता नहीं है, लेकिन ये लोग बोली कि आप इसमें विनर और उसकी लिस्ट में नहीं आओगे आप, लेकिन आप एक बार गेम खेल ज़रूर लो। तो कोइंसिडेंसली मेरे जो पर्ची में नाम आया वो कमल के फूल का नाम आया, और मेरे हस्बैंड का नाम भी कमल है। बस इस गेम के बाद विनर की लिस्ट तैयार हो गई, और फिर हम लोगों ने चाय बिस्किट की पार्टी की। इस तरह से फ्रेंड्स के साथ छोटे मोटे सेलिब्रेशन दोस्तों हमारे मूड को हल्का कर देते हैं, अगर हम किसी वजह से परेशान हैं या कुछ हैं। ज़िंदगी की परेशानियां तो डेली चलती ही रहती हैं, लेकिन हमें सब कुछ एक तरफ रख के थोड़ा बहुत अपने आप को, अपने माइंड को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने काम अच्छे से कर पाते हैं और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख पाते हैं। बस इसके बाद हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक की और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया। बस दोस्तों ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आपको हमारी लवली फ्रेंड्स के साथ मेरा किटी पार्टी का सेलिब्रेशन में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है हल्की फुल्की उनको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।